तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब्स के बारे में। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं इस जॉब्स के बारे में कि मुझे कोई ऐसी कंपनी बताइए जहां पे रहने और खाने की व्यवस्था दोनों मिल सके। क्या ऐसी कोई कंपनी है पुणे में जहां पे आपको रहने और खाने की व्यवस्था मिल सके? तो आप जैसे ही पुणे आते हो, आपकी जॉब कंफर्म होने के बाद या फिर जॉब ज्वाइनिंग करने से पहले आपको कंपनी रहने की व्यवस्था दे दे और खाने की सुविधा आपको मिल जाए, ऐसी कोई कंपनी है क्या? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पुणे में यदि आप पुणे आते हो तो आपको यहाँ पे बिना पैसों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, तो ऐसे लोग पुणे आना चाहते हैं जॉब्स करने के लिए, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं होता कि पुणे आकर के वो एक किराए का रूम ले सके। और खाने के लिए बहुत खर्च होता है, आपको गैस लेना पड़ेगा, बर्तन लेनी पड़ेगी, सब्जियां, राशन लेकर के खाना बनाओ। स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाना हर किसी का बजट में नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुणे में कोई ऐसी कंपनी है क्या जिसमें आपको रहने और खाने की व्यवस्था मिल सके? तो हेलो, वेलकम बैक, मेरा नाम विनीत कुमार है, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो आज का जो टॉपिक है, रहने और खाने की फैसिलिटी आपको पुणे में कहाँ मिलने वाली है? देखिए, यहाँ पे जितनी सारी कंपनी है 95, 96, 98% सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है, तो यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी रहने और खाने की फैसिलिटी नहीं देती है। वीडियो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी भी कंपनी है जो आपको रहने और खाने की व्यवस्था देगी, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन कम होनी चाहिए। जैसे कि आप कम पढ़े लिखे हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI हो, तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जॉब मिल जाती है। कंपनी वाले नहीं रखते ऑन रोल पे, क्योंकि जिनकी क्वालिफिकेशन कम है तो आप लोग हेल्पर और स्किल सेमी स्किल पे जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे हर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जॉब मिलता है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, तो जो लोग आते हैं तो उन्हें उनके जो कैंडिडेट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बच्चे काम करते हैं उनके साथ ही आपको शिफ्ट करा देंगे, मतलब आपको रूम दिलवा देंगे, उनके साथ शिफ्ट करवा देंगे। जैसे कि आप जिस भी स्टेट से हो, उस स्टेट के यदि कोई कैंडिडेट है तो उसके साथ आपको शिफ्ट करा दिया जाएगा। तो उसके पास ऑलरेडी बर्तन है, सब सामान है, तो आप कुछ पैसे दे करके आप रहने और मतलब खाने वाने का सब आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको एडवांस दे देगा, उस समय आपको कम खर्च पड़ेगा, बहुत ही कम खर्च पड़ेगा। रहने के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर दे देगा और खाने के लिए भी कुछ पैसे आपको दे देंगे, ताकि आप राशन वगैरह खरीद करके वहाँ पे मिल बांट के खा सको। लेकिन आप सोचोगे कि आपको पूरी तरह से फ्री रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कोई भी नहीं देगा पुणे में, बहुत ही कम, मतलब रेयर चांस है। कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है, छोटे मोटे जहाँ पे कैंडिडेट नहीं टिकते हैं तो उनको कहीं से पकड़ पकड़ के लाते हैं और उनको कंपनी में या फिर कंपनी के बाहर कोई रूम वगैरह लेकर के रखते, तो बहुत ही कम चांस है कि आपको रहने और खाने की कोई व्यवस्था कंपनी करवा दे। कोई बहुत ही ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, 12 घंटा 15 घंटा का वर्क होता है, लड़के टिकते नहीं हैं, तो ऐसी कंपनी में वो लोग रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि लड़के टिके, थोड़ा पैसा भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन लोग काम करना नहीं पसंद करते या फिर सैलरी वहाँ पे कम होगी, तो रहने वहने की व्यवस्था करा देती है। लेकिन यदि आप पुणे आना चाहते हो और आपके पास बजट कम है और सोचते हो कि मेरे पास 1-2 हज़ार रुपया है, तो वहाँ जाने के बाद रूम कैसे लूँगा, खाने का कैसे व्यवस्था करूँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। वो लोग, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो लोग बाहर से आते हैं, उनको वो रूम और कुछ एडवांस भी दे देते हैं ताकि आप वहाँ पे सरवाइव कर सको। तो यदि आप चाहते हो कि आप पुणे आने की सोच रहे हो और आने के बाद आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर जॉब मिले, और यहाँ पे सैलरी भी कम नहीं मिलती, सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, और
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आप जैसे उसे क्लिक करोगे तो आप हमें सीधा ही व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी डिटेल्स भेज सकते हो कि हम फलाने डेट में आने वाले हैं, हमारे लिए भी व्यवस्था करके रखिए, तो आपकी हम ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।